वेलकम टू dentistrypass.com। तो आज हम पढ़ेंगे डेंटल इम्प्लांट्स। इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे टॉपिक्स को डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पार्ट्स ऑफ एन इम्प्लांट। अब देखिए डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, डेंटल इम्प्लांट्स इज डिफाइंड एज अ प्रोस्थेटिक डिवाइस मेड ऑफ एलोप्लास्टिक मटेरियल्स इम्प्लांटेड इनटू द ओरल टिश्यूज बीनीथ द म्यूकोसल एंड और पेरिस्टियल लेयर एंड ऑन और विद इन द बोन टू प्रोवाइड रिटेंशन एंड सपोर्ट फॉर अ फिक्स्ड और रिमूवेबल डेंटल प्रोस्थेसिस। अ सब्सटेंस दैट इज प्लेस्ड इनटू एंड और ऑन द जॉ बोन टू सपोर्ट अ फिक्स्ड और रिमूवेबल डेंटल प्रोस्थेसिस। ये GPT-8 की डेफिनेशन है। अगर ये याद होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो जो सेकेंड पैराग्राफ है ये भी कर सकते हैं। अ डेंटल इम्प्लांट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट इज प्लेस्ड इन टू द जॉ टू सपोर्ट अ क्राउन और फिक्स्ड और रिमूवेबल डेंचर। थर्ड पैरा, द पोर्शन ऑफ एन इम्प्लांट दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द डेंटल इम्प्लांट अबुटमेंट थ्रू एडेप्टेशन ऑन एपोस्टियल विद इन एंडोस्टियल और थ्रू ट्रांसोस्टियल द बोन। पॉइंट याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, डेंटल इम्प्लांट्स मे बी क्लासिफाइड बाय देयर सिलहोटी और जियोमेट्रिकल फॉर्म। इट मीन्स फिन, स्क्रू, स्लेंडर, ब्लेड, रूट फॉर्म एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट है, जनरली डेंटल इम्प्लांट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एनकरेज कॉम्पोनेंट एस इट रिलेट्स टू द बोन दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। ये तीन बेसिक टाइप्स की होती है डेंटल इम्प्लांट्स। पहला है अपोस्टियल डेंटल इम्प्लांट्स, दूसरा है एंडोस्टियल डेंटल इम्प्लांट्स एंड तीसरा है ट्रांसोस्टियल डेंटल इम्प्लांट्स। सम डेंटल इम्प्लांट्स पॉसेस बोथ अपोस्टियल एंड एंडोस्टियल कॉम्पोनेंट्स बाई डिजाइनिंग और सब्सिक्वेंट एनकरेज चेन। द डेंटल इम्प्लांट्स प्रोवाइड बोनी सपोर्ट वाया द डेंटल इम्प्लांट अटैचमेंट वाइल द डेंटल इम्प्लांट अबुटमेंट्स कनेक्ट द डेंटल इम्प्लांट टू द फिक्स्ड और रिमूवेबल डेंटल प्रोस्थेसिस। चलिए अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट विद इन टिश्यूज। ये तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे पहले बताया था अपोस्टियल इम्प्लांट्स, इसको हमें अपोस्टियल डेंटल इम्प्लांट्स भी कह सकते हैं। दूसरा है एंडोस्टियल इम्प्लांट्स, तीसरा है ट्रांसोस्टियल इम्प्लांट्स। अब पॉइंट ए, अपोस्टियल इम्प्लांट्स, इट इज़ अ डेंटल इम्प्लांट दैट रिसीव्स इट्स प्राइमरी बोन सपोर्ट बाय रेस्टिंग ऑन इट। दूसरा है एंडोस्टियल इम्प्लांट्स, इट एक्सटेंड्स इनटू द बेसल बोन फॉर सपोर्ट। ये इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ये वापस क्लासिफाइड हो रहे हैं रूट फॉर्म इम्प्लांट्स एंड प्लेटफॉर्म इम्प्लांट्स में। नाउ रूट फॉर्म इम्प्लांट्स, दे आर यूज्ड ओवर अ वर्टिकल कॉलम ऑफ बोन। प्लेटफॉर्म इम्प्लांट्स, दे आर यूज्ड ओवर अ हॉरिजेंटल कॉलम ऑफ बोन विच इज़ फ्लैट एंड नैरो इन द फेशियल लिंगुअल डायरेक्शन। अब आता है पॉइंट सी, ट्रांसोस्टियल इम्प्लांट, इट इज़ अ डेंटल इम्प्लांट दैट पेनिट्रेट्स बोथ कॉर्टिकल प्लेट्स एंड पासिस थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ द एलवोलर बोन। अब सेकंड पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यूज्ड। इसमें क्या आता है, इसमें है मेटेलिक इम्प्लांट्स एंड नॉन मेटेलिक इम्प्लांट्स। मेटेलिक इम्प्लांट्स में कौन कौन से हैं, टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम अलॉय हो गया, कोबाल्ट क्रोमियम, मॉलिब्डेनम अलॉय हो गया। और नॉन मेटेलिक इम्प्लांट्स कौन से होते हैं, सिरामिक्स हो गया, कार्बन हो गया। डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन विद बोन बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द इम्प्लांट टू स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन। इसमें है बायो एक्टिव, बायो इनर्ट। बायो एक्टिव जैसे कि हाइड्रोक्सी एपिटाइट हो गया और बायो इनर्ट हो गया मेटल्स हो गया। अब पॉइंट फोर है, डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एडेंचुलस स्पेसेस। इट मीन्स इन पार्शियली एडेंचुलस स्पेसेस में कौन से हैं, कैनेडीज क्लास टू विद डिवीजन ए बोन इन द अपर आर्च एंड डिवीजन बी बोन इन द लोअर आर्च। पॉइंट बी, कैनेडीज क्लास टू विद डिवीजन सी बोन इन द अपर आर्च एंड डिवीजन डी बोन इन द लोअर आर्च। सी पॉइंट है, कैनेडीज क्लास थ्री विद डिवीजन सी बोन इन द अपर आर्च एंड डिवीजन डी बोन इन द लोअर आर्च। इन केस ऑफ कंप्लीटली एडेंचुलस पेशेंट्स ईच आर डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स, एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर। डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिश रिपोर्टेड फाइव प्रोस्थेटिक ऑप्शंस ऑफ इम्प्लांट। द फर्स्ट थ्री आर फिक्स्ड प्रोस्थेसिस दैट मे बी पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट्स, रिमेनिंग टू आर रिमूवेबल प्रोस्थेसिस। अभी देखिए क्लासिफिकेशन में क्या है, चाहे कितना ही समझने की कोशिश करें एंड में रटना ही पड़ता है एग्जाम टाइम में। तो सीधी सी बात है,
कि आप समझते समझ लीजिए, समझते समझते इसको याद करने की कोशिश करिए, भले ही वीडियो को बार बार सुनिए। चलिए अब डेंटल इम्प्लांट्स के एडवांटेजेस पे आते हैं। पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ बोन। इसमें क्या होता है, द इम्प्लांट स्टिमुलेट्स द बोन लाइक अ नेचुरल टूथ, देयर बाय प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ रेजिडुअल रिजॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव फंक्शन, द च्यूइंग एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन अदर प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट्स। तीसरा है एस्थेटिक्स, इम्प्लांट प्रोवाइड अ नेचुरल इमेजेंस प्रोफाइल। चौथा है स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन, इम्प्लांट्स आर मोर स्टेबल एंड रिटेंटिव ड्यू टू ऑसियो इंटीग्रेशन। पाँचवा है कम्फर्ट, इम्प्लांट्स आर मोर कम्फर्टेबल एज द एक्सटेंट ऑफ द फ्लेंजेस ऑफ द फाइनल प्रोसेसिस कैन बी रिड्यूस्ड। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कैन नॉट बी यूज इन मेडिकल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हु कैन नॉट अंडरगो सर्जरी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंट कॉरपोरेशन बिकॉज रिपीटेड रिकॉल विजिट फॉर आफ्टर केयर इज एसेंशियल, भाई बार बार आना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है इट कैन नॉट बी यूनिवर्सली प्लेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनाटॉमिकल लिमिटेशंस। अब जो ये आगे के हैं, जैसे कि डेंटल इम्प्लांट्स में इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया और पार्ट्स ऑफ एन इम्प्लांट है, ये जो टॉपिक्स बचे हैं ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।